बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के नाम एक लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उमा भारती ने विधानसभा चुनाव को लेकर 19 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर शनिवार को एक लेटर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि ये वायरल लेटर उमा भारती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लिखा था। इस लेटर में उमा भारती ने अपने 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगी है। तो वहीं लेटर के अंत में लिखा है कि कुछ और नाम मैं अगली सूची में भेजूंगी। सोशल मीडिया पर लेटर वायरल होने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। अब इस वायरल लेटर को लेकर उमा भारती ने सफाई दी है। उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि मेरे ऑफिस से मीडिया जगत के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक सूची वायरल हो रही है, क्या उमा भारती जी ने भाजपा के उम्मीदवारों के नाम की सूची लिखित में पार्टी को भेजी है। वहीं आगे उमा भारती ने लिखा कि मैंने निश्चित रूप से केंद्र एवं राज्य के नेताओं से मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया है, इसलिए मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत कहाँ है। हाँ, मेरी चर्चा में ये नाम भी शामिल रहे हैं। बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है। दरअसल बीजेपी ने 2023 के रण को जीतने के लिए अब तक 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी 60 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने जा रही है। फिलहाल पिछले 2.5 सालों से उमा भारती लगातार शिवराज सरकार को घेरते नजर आ रही हैं। अब उमा भारती के इस वायरल लेटर ने सियासी हलचल तेज कर दी है। फिलहाल MP तक इस लेटर की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।